प्रोजेक्ट BCCL ही नहीं कोल इंडिया का एक महत्वपूर्ण अंडरग्राउंड माइंस है, जहां लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड के द्वारा कोयला उत्पादन किया जाता है। 23 फरवरी 2021 के द्वितीय पाली में एक भयावह एवं दर्दनाक दुर्घटना। समय लगभग 7:50 की शाम, दो लोग की हृदय विदारक मौत। आइए देखते हैं एनिमेशन फिल्म के जरिए इस दुर्घटना का नाट्य रूपांतरण। दिनांक 23 फरवरी 2021 द्वितीय पाली में 16 टॉप सिम D16 BG RH1 फेस में लगभग 20 मीटर आउट बाई ऑफ फेस चार व्यक्ति श्री निर्मल गोराई, श्री विजय यादव, श्री सुमन सौरभ एवं श्री उदेश महतो सभी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स वेंटिलेशन डक्ट को बदलने में लगे हुए थे। वेंटिलेशन डक्ट को अनफोल्ड कर राइट साइड में लटकाने के वक्त लगभग 22 मीटर लंबा, 1.2 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर ऊंचा का साइड फॉल हुआ, जिसमें श्री निर्मल गोराई एवं श्री विजय यादव बेल्ट स्ट्रक्चर तथा साइड फॉल के मलबे के बीच बुरी तरह दब गए, जिन्हें निकाल कर सेंट्रल हॉस्पिटल धनबाद में लाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के दूसरे दिन DGMS और BCCL के उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। चूंकि इस तरह की दुर्घटना पहले कभी हुई नहीं थी, साथ ही दुर्घटना पूर्व किसी प्रकार की कोई सिम्टम्स साइड फॉल का नहीं था, अतः इस दुर्घटना के कारणों को जानने हेतु सिम्फर को कॉन्टैक्ट किया गया और साइंटिफिक स्टडी की गई। सिम्फर द्वारा साइंटिफिक स्टडी करने के बाद निम्न सुझाव दिए गए हैं। जब लॉन्ग वॉल रिट्रीटिंग फेस और एडजेसेंट डेवलपमेंट फेस एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, तो डेवलपमेंट फेस को 10 मीटर पहले बंद कर देना चाहिए, फिर रिट्रीटिंग फेस क्रॉसिंग पॉइंट को पार कर जाए तो डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट फेस को 2.5 मीटर राइट साइड में शिफ्ट किया जाए तथा गैलरी हाइट को डिप साइड में 2.5 मीटर एवं राइट साइड में 2.7 मीटर तक रेस्ट्रिक्ट किया जाए। स्ट्रेटा मॉनिटरिंग के लिए टेल सिस्टम एवं कन्वर्जेंस रिकॉर्डर 50 मीटर के इंटरवल पर इंस्टॉल किया जाए। बैरियर पिलर साइड में 1.8 मीटर लंबा स्टील बोल्ट से सपोर्ट किया जाए एवं कोल पिलर साइड में 1.8 मीटर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बोल्ट हाई प्रेशर सीमेंट ग्राउटिंग के साथ सपोर्ट किया जाए।